तो अगर आपका अकाउंट कोटक 811 में ओपन है और अगर आप इस अकाउंट को क्लोज कराना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप अपना अकाउंट इसमें क्लोज करा सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिलेगा जिसे फॉलो करके आप कोटक 811 में अकाउंट को बड़ी आसानी से क्लोज करा सकते हैं। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको इसमें अपना अकाउंट क्लोज करना है तो अकाउंट क्लोजर का रिक्वेस्ट देने से पहले अगर आपके कोटक 811 अकाउंट में कोई पेंडिंग ड्यूज है, जैसे आपके अकाउंट में माइनस में अमाउंट है, तो आपको पहले उसको सेटल करना है। और अगर आपके अकाउंट में कोई बैलेंस है तो आपको उस बैलेंस को विड्रॉ करना है या फिर किसी दूसरे अकाउंट के ऊपर में ट्रांसफर करना है। और अगर आपके अकाउंट से कोई ऑटो डेबिट चल रहा है या फिर कोई ईएमआई चल रहा है तो उसे भी आपको दूसरे अकाउंट के ऊपर में ट्रांसफर करना है। ये सब करने के बाद ही आपका अकाउंट यहाँ पर क्लोज होगा और इन तीनों पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है अकाउंट क्लोज करने से पहले। अब वीडियो में बताए गए प्रोसेस को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट के लिए। अकाउंट क्लोजिंग के लिए पहला स्टेप है कस्टमर केयर को कॉल करना। सबसे पहले आप इनके कस्टमर केयर को कॉल करेंगे। कोटक 811 के कस्टमर केयर का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, साथ में मैं इनका मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो अगर आपके अकाउंट क्लोज कराने से पहले कोई क्वेरीज हैं तो आप इनको मेल में पूछ सकते हो। अब जैसे ही आप इनके कस्टमर केयर को कॉल करोगे अकाउंट क्लोज कराने के लिए, तो आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई कराने के लिए आपका नाम, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर इनको देने होंगे और बाकी अकाउंट रिलेटेड जानकारी आपको इनके कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव को बताना होगा। अकाउंट वेरीफाई होने के बाद में आप इनके कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव को बताएंगे कि आप अपना कोटक 811 अकाउंट बंद करना चाहते हो। कस्टमर केयर के तरफ से अकाउंट क्लोजिंग का रीजन या फिर कारण भी पूछा जा सकता है, तो आप अकाउंट बंद करने का कारण उनको बता देंगे। जैसे आप इस अकाउंट को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते या फिर आपके पास कोई दूसरा अकाउंट है जिसे आप यूज करते हो, तो कोई भी रीजन या फिर कोई भी कारण आप उनको बता देना। और अगर आपका भी सेविंग अकाउंट कोटक 811 के साथ में या फिर कोई दूसरे बैंक के साथ में है और आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, तो आप उन पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ अच्छे एप्लीकेशन के लिंक मैंने आपको दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप लोग अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जिस वीडियो को देखकर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वापस आते हैं अपने वीडियो में। इसके बाद आपको अकाउंट बंद कराने के लिए कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर देने होंगे इनके कस्टमर केयर को, जिसके बाद आपका अकाउंट फिर से वेरीफाई होगा। और इसके बाद कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव आपके अकाउंट क्लोजर का रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और आपको इसके लिए SMS और मेल में अकाउंट बंद होने का कंफर्मेशन भी आएगा। अगर आप ये सब सही करते हो और आपके अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो आपका अकाउंट 7 वर्किंग डेज के अंदर में क्लोज हो जाएगा। अगर आपका इस प्रोसेस से अकाउंट क्लोज नहीं होता है तो आपको इसका ऑफलाइन प्रोसेस करना होगा। ऑफलाइन प्रोसेस के लिए आप इनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो जिससे आपका अकाउंट जल्द से जल्द क्लोज हो सके। और इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो आपके सामने है, तो इस वीडियो पे क्लिक करो और जाके पूरा वीडियो देख लो। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप मेरे को इंस्टा में फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा।